हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं संदीप गिल, एग्री दर्पण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूँ। देखो भाई, आज हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँ ना, डिजीज वाला चल रहा है। तो देखो भी, एक बात है कि अपने डिजीज पढ़ रहे थे, बैक्टीरियल डिजीज है ना, पीछे अपने एंथ्रेक्स पढ़ ली थी, आज एक डिजीज पढ़ते हैं जिसका नाम है ब्लैक क्वार्टर। ठीक है, डिजीज का नाम क्या है? ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर, क्वार्टर से हम वो मत समझना ना, शाम का टाइम हो गया ना। तो इसका नाम है डिजीज का ब्लैक क्वार्टर, येलो कलर लेंगे। कौन सा है? अरे सीधा सीधा लिख जा। देखो भी, क्वार्टर का नाम आते ही देख लाइनें भी सीधी नहीं हो रही है ना, मतलब भारी चीज है, मतलब भारी चीज है। तो नाम है BLAC है ना, ब्लैक क्वार्टर, क्वार्टर। ठीक है, हिंदी के अंदर देखो लंगड़ी बुखार, देखो नाम देखा था ना, लंगड़ी बुखार। अब आपको पता है भी, कोई भी जो डिजीज है, कोई भी डिजीज है वो होती किससे है? कॉजल ऑर्गेनिज्म से। किससे होती है भी? कॉजल ऑर्गेनिज्म से। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है? CAU, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। देखो यह रोग किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, और उस बैक्टीरिया का नाम भी लिख देंगे। कहते ना, कागज कलम दवात ले, लिख सजन का नाम। चलो भी लिख देते हैं यहाँ पे, इसका नाम है सुनहरे अक्षरों में लिखते हुए हमने लिखा है यहाँ पे, देखो भी, क्लोस्ट्रीडियम ट्रीडियम है ना। क्या नाम है इसका? क्लोस्ट्रीडियम। यहां पे भी लिख लो भी, हिंदी में से कहते हैं रोग कारक। ठीक है, कारक है जो रोग का, क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई, CHABIOE। इसको थोड़ा सा सही करके लिखना पड़ेगा। कहाँ गया भी, कहाँ गया, कहाँ गया, क्यों गया, कहाँ गया, हाँ भाई, इसका नाम है ऐसे सोबियाई। तो इसको हिंदी में और लिख देते हैं, क्या बोलते हैं? क्लोस्ट्रीडियम क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई नाम का जीवाणु होता है, ये जो रोग फैलाता है। बाकी चीजें देखते जाते हैं, होता क्या क्या इसके अंदर, सुनते जाइए भाई, है ना। यहाँ पे गोल घेरे में अपने किसको ले लेते हैं? ब्लैक क्वार्टर को। ये ला अपने पास ब्लैक क्वार्टर। ये क्या अपने पास? एक रोग का नाम है जिसका नाम है ब्लैक क्वार्टर, और क्वार्टर हो गया। अब रख लेते हैं पानी और नमकीन, लगाते हैं नमकीन। सबसे पहली बात, ब्लैक वाटर जो डिजीज होती है वो कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है? एनिमल के मसल्स पार्ट को, मसल पार्ट, यानी जहां पे मसल जो होगी, मांसपेशियां होंगी, उस पार्ट को ये क्या करेगी? अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला पॉइंट। इसे कौन सा पॉइंट बोलोगे आप? ये अपना हो गया पहला पॉइंट, भी मसल्स पार्ट को क्या करती है? इफेक्ट करती है। अब भी इसका दूसरा पॉइंट लिख लो। दूसरा पॉइंट क्या है? कुछ चीजें और भी इसके अंदर देखते हैं। गाय भैंस यानी काऊ एंड बफेलो में ज्यादा होती है, काऊ एंड बफेलोस मोस्टली इफेक्टेड। सबसे ज्यादा किसको इफेक्ट करती है डिजीज? काऊ एंड बफेलो को करती है। ठीक है भाई, ये बात आ गई। अब देखो इस डिजीज के और कुछ कारण देखो। अब ये डिजीज फैलती कैसे, मतलब किस तरह ये पहुंचती है ना? कोई भी पहले से इफेक्टेड है, यहां पे कोई वुंड है, घाव है, किसी प्रकार का शरीर पर क्या है? घाव है। गाव से इंटर करती है ना, इंटर इन द बॉडी। देखो देखो कैसे मिक्सिंग है, देखो हिंदी और इंग्लिश है ना, इंटर इन द बॉडी।
किसी भी घाव से इसके अंदर पहुंच जाती है। अब एक बात और, जो स्वेलिंग होती है, जब आप स्वेलिंग को क्या करते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए इसको, स्वेलिंग को क्या किया जाता है, स्वेलिंग प्रोड्यूस, स्वेलिंग प्रोड्यूस्ड क्रैक साउंड, व्हेन इट्स प्रेस, जब आप इस स्वेलिंग को दबाओगे, इसके अंदर जो स्वेलिंग आ जाती है, जब उस स्वेलिंग को दबाया जाता है, दबाने से क्रैकिंग साउंड आती है ना, चर चर की आवाज आएगी अगर आप उस स्वेलिंग को दबाओगे, ये भी एक फीचर होता है। अगर आप कट लगा देते हो स्वेलिंग पे, क्या लगा देते हो, कट लगा देते हो, तो यहां पे क्या आता है, जब आप कट ऑन द स्वेल, जो स्वेल्ड जगह होती है वहां पे अगर आप कट लगा देते हो, ठीक है, कट लगाने से वहां पे क्या है कि एक निकलेगा ब्लैक कलर का ब्लड निकलता है ना, तो क्या निकलेगा आगे, ब्लैक फ्रोथी ब्लड, बदबूदार स्मेल देने वाला काले रंग का झागदार खून निकलेगा। ये भी इस रोग का क्या है, फीचर है, इसको पता लगाने का ये भी एक फीचर है कि ये एक रोग है। मसल्स पार्ट जितने भी होते हैं सब जगह इसमें स्वेलिंग आ जाती है। मोस्टली इसमें देखो भी एनिमल क्या होता है, फ्रंट पार्ट में फ्रंट लिम्ब्स होता है, जो आगे का जो पार्ट होता है वो भी इफेक्ट होता है, जिस वजह से एनिमल कैसे चलता है, जिस वजह से एनिमल हमेशा लंगड़ा के चलना शुरू कर देता है ना, कैसे चलता है वो, लंगड़ा कर चलता है ना एनिमल, कैसे चलता है, लंगड़ा के चलता है, ठीक है भाई। ये इसके क्या आगे मोटे मोटे फीचर्स आगे, ये इसके क्या आगे मोटे मोटे फीचर्स आगे भी, ये रोग आप कैसे पहचान सकते हो, कौन इस रोग को फैलाता है ना। और अब ये जो रोग फैल गया है, आगे ये रोग फैल गया है, तो इसके लिए अपने पास क्या है, इलाज भी है ना इसका, इलाज अपने पास क्या है, प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक क्वार्टर डिजीज, डिजीज है ना, अगर ये रोग फैल गया है तो उसको आपको कैसे कंट्रोल करना है, ये लो भी कंट्रोल में आपको एक ही काम करना है, वो आप क्या कर सकते हो, यू नो अच्छी तरीके से, अरे इसको लिखते हैं ना, आता क्या, वाह है ना, उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन शुड बी डन, ठीक है, शुड बी डन वन टाइम इन या कब, जून मंथ, बस भाई खत्म, खलास गया है ना। इस रोग की इतनी सी खासियत है, बहुत ज्यादा लोग ये हो जाता है वो हो जाता है ना, कुछ नहीं होता, पशु बीमार हो जाता है फिर सही हो जाता है। तो ये है ब्लैक वाटर। और नई नई वीडियो की जानकारी लेने के लिए, नई नई चीज़ें पढ़ने के लिए एग्री दर्पण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़िए। और अगर आप वहीं से चाहते हैं कि हमारे को रोज़ कोई नई नई चीज़ें मिलती रहे, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी प्रॉब्लम को भी हमारे साथ शेयर कीजिए, और नए नए टॉपिक जो भी आपकी रिकमेंडेशन है वो हमें बताइए, हम आपको रोज़ इस प्लेटफॉर्म इसी समय लेके हाजिर होंगे आपसे आपके सामने। तो तब तक के लिए रब रखा, जय हिंद, जय भारत।